के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। हालांकि औरंगाबाद के खुलताबाद तालुका के सतकुंड बस्ती में अभी तक महावितरण का एक भी बल्ब नहीं है। इतना ही नहीं, जाने का कोई रास्ता नहीं है। भारत महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में स्थिति अलग है। बिजली ही नहीं बल्कि अन्य मूलभूत सुविधाएं भी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। नतीजतन इस बस्ती के नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। औरंगाबाद सतकुंड बस्ती पिछड़े लोगों की है और उन्हें अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है। भारत के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के पास भी शिक्षा का कोई साधन नहीं है। यह सब यहाँ के नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के किसानों ने कहा है कि पानी होने के बावजूद फसलों को पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि MSEDCL की सुविधा नहीं है। जनरेटर की मदद से कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इस साल ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है। न बिजली है, न स्वास्थ्य सुविधाएं, न सड़कें, इसलिए इन लोगों को, बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बस्ती के बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है, खासकर बरसात के मौसम में, क्योंकि बस्ती से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। क्या हमारे नेता, जो एक शानदार जीवन जी रहे हैं, इन नागरिकों के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे एक नहीं खाई नहीं रास्ता नहीं है जाए गाँव तो ना तो माता का पोटा सा करावास लगत थी। हमारे तारा स्वतन मग स्वयंपाक पानी ला दिसत नहीं खाई नहीं मग शाळा येते शिकायला पाहिजेल पोरं। आता आमचं गेलं पण त्याला पाहिजेल ना, मग गंज केलं पण आमचं कानामानावर घेतलं नाही। गरीबाचं काय करावं, मतदान येते सारं आमचं इडून घ्यायचं आणि काहीच नाही दिलं आम्हाला। आता आता कसं तरी आम्हाला काहीच नाही, आम्ही लय तकलीफीत आहे। आम्हाला घरं नाही, दारं नाही आतापर्यंत सगळे तशापासून आमचं समजा मतदान चालू झालं तर 1 वर्ष बी खाडा नाही केला आम्ही। ते समजत मतदानवाले आले की लगेच मतदान करतो आम्ही, पण आमच्याकडे कोणाला लक्षच नाही दिलं, मग त्याला इलाजच नाही। मग काय गावाकडे बी गेलो तरी आम्हाला कोणीच विचारत नाही, असं करू तसं करू, टेमावर काहीच नाही करू। असे काय आम्हाला लाईट नाही, रस्ता नाही, पोरं शाळे जातात अभ्यासला, उजाळा नाही, काही नाही। उजाळ्यामुळं आमचे पोरं असे आडणी राहून राहिले। गावामध्ये जायला लांब आहे आम्हाला 2-3 किलोमीटर असं आहे आमचं। इथं या जायला रस्ता बी नाही, काही नाही। बरं पहिले आमच्या पिढ्या गुजून गेल्या तर इथंच राहिलो आम्ही, कुठे गेलो नाही, काही नाही। गावामध्ये बी काय आमचं इथंच राहायला रात्र दिवस जन्म बी इथंच झाला आमचा। ते आता पोरस्वराचे वस्ती केली तर किती मोठी होईल, 30-40 घरं होतीन पुरे, अलग अलग राहिले तर बांधले तर 30-40 घरं होतीन पोराचे। नाव दिलं तर आता पोराचं नाव आलं की नाही ते बी पाहावं लागेल असं बी। हां बाबा हर तेव्हा मतदान आलं तेव्हा जातो आम्ही, मतदानचे हकदार आहे आम्ही। तुम्ही कोणाकडे मागणी केली नाही? गंज मागणी केली पण कानामानावरच घेत नाही आमचं असं आहे। तुमची काय अपेक्षा आहे? ते आम्हाला काहीतरी सोय पाहिजे, व्हायला पाहिजे। आम्ही इतकं जंगलामध्ये समजा आम्ही वाघाचं जन्मच घेऊन वापरू आलो समजा असंच धरून चालणार ना। आम्हाला लेट नाही म्हणल्यावर डोळे आंधळे दोन्ही भीतून जाऊ शकते ना, असे ना कोणी म्हणून आंधळ माणूस आहे तसं नजर राखली सगळी दिसतं रातची किती अंधारा राहतो, पाणी बरसात पण इथेच राहतो आम्ही। मग काय बॅटऱ्या मिटऱ्या राहत्या, मग दिवसा येतो जातो, मग रातची काय आहे, मग चिमणी लावून दिली बस।